नगर पालिका तिलहर का सर्वसम्मति से 1,23,00,000 रुपए अनुमानित बचत का प्रस्ताव पारित। वार्ड में काम न होने पर सभासद साजिद सोनी ने जमीन पर बैठकर किया विरोध। बता दें कि नगर पालिका तिलहर में सोशल डिस्टेंस के साथ चेयरपर्सन हाजरा बेगम की अध्यक्षता में बजट बैठक में सर्वसम्मति से 1,23,00,000 रुपए अनुमानित बचत का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं कुछ सभासदों ने उनके वार्ड में कार्यों के प्रति सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया, जिससे स्थिति हंगामा पूर्ण हो गयी। बुधवार को तहसील रोड स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित बजट बैठक में ईओ सर्वेश कुशवाहा ने वैश्विक महामारी कोरोना की गंभीरता पर विचार व्यक्त कर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर स्वयं व परिवार को सुरक्षित करने का आग्रह किया। बैठक से पूर्व सभी सभासदों को मास्क व सैनिटाइजर किट वितरित की गई। तदोपरांत वर्ष 2020-21 में अनुमित बजट पर लेखाकार कमलदीप ने बजट में शामिल आय व्यय की जानकारी दी। ईओ सर्वेश कुशवाहा ने बताया कि आगामी सत्र में विभिन्न करों के द्वारा 90,00,000 तथा लाइसेंस तांगा ई रिक्शा ठेला नीलामी जुर्माना आदि से 1,34,41,000 एवं शासन से 32 करोड़ रुपए आय प्राप्त होना संभावित है। वहीं वेतन भत्तों तथा अन्य मदों में 31 करोड़ रुपए व्यय अनुमानित है। चेयरपर्सन हाजरा बेगम ने कहा कि गरीब मजदूरों व असहाय लोगों को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। तांगा रिक्शा ई रिक्शा तथा ठेली चालकों के लाइसेंस पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस प्रकार नगर पालिका को 1,73,00,000 रुपए की बचत होगी, जिस पर सभी सदस्यों ने प्रस्ताव को पारित किया। इस दौरान सभासद साजिद सोनी वार्ड में विकास कार्य न होने और सौतेला व्यवहार करने के आरोपों की झड़ी लगाते हुए जमीन पर बैठ गए व मुश्किल उन्हें शांत कराया गया। चेयरपर्सन हाजरा बेगम ने इस मामले में ईओ को जाँच करने के निर्देश दिए। काम की प्रवृत्ति क्या है, काम किया हमारे पास पैसा देखना है, वो देखना है काम बाकी पांच सफर आप सबके लिए कोई बात आप जितने निकालिए अपने वार्डों की हमारे वार्ड में चलिए आपको लोग दिखाते हैं कितने दिन घुस के वो लोग निकलते हमारे साथ में और बनावट डालती बार लोग बता रहे कितने पानी घुस के वो लोग निकलते हैं हर साल। क्या तुम रिपोर्ट काट के उनसे कहिएगा आपको मतलब ही नहीं बात करते मतलब है।